हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइज़र मंगाए हैं। कुछ मैंने लोकल मार्केट से लिए, कुछ ऑनलाइन परचेज किए, तो उन्हीं के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मीशो से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया, यहाँ पर मैंने लगा दिया। पिछले की वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में डाला है कि आपको किस तरह से मतलब लगाना है। तो ये सेट ऑफ 4 में मिला था, यहाँ पर मैंने ये अपने अलमीरा के साइड में लगा दिया। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, यहाँ पर मुझे स्पेस भी लग रहा था क्योंकि मैं रहती हूँ रेंटल मतलब रूम में रहती हूँ, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऑर्गेनाइज़र को मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगी, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये मैंने मीशो से बाय किया है और इसमें मैंने अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इयररिंग्स रखे हैं, तो आपको मैं बैक वीडियो से दिखाती हूँ, पैक करके कैमरे से। इस वाले ऑर्गेनाइज़र की बात करूँ, ये मैंने बाय किया है मीशो से, तो इसमें मैंने अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने इयररिंग्स रख रखे हैं। और इतनी गर्मी में मैं बताऊँ, अब पहनने का भी मन नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के मैंने इसमें इयररिंग्स रखे हैं, ये थोड़े से बड़े साइज के हैं। और ये पूरे पर्ल वाला जो नेक पीस आते हैं वो नेक पीस हैं, ये भी मैंने मीशो से ही बाय किए थे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनको अभी एक बार भी नहीं पहना है, ये मैंने कहीं बाहर घूमने गई थी वहाँ से परचेज किए थे। एंड ये इयररिंग्स मैंने पहने हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं और ये वुडन के हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। नेक्स्ट की बात करूँ मैं, नेक्स्ट आपको इस तरह के इसमें ग्रिड मिलेंगे। आप इन ग्रिड को हटा भी बढ़ा भी सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। आप इनको अगर बड़ा करना चाहें तो ये बड़े हो जाएंगे, छोटा करना चाहें तो छोटे हो जाएंगे। जिस तरह के आपके इयररिंग्स हैं उस तरह का आप इनको साइज़ बना सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं बहुत सारे खूबसूरत से बहुत सारे इसमें इयररिंग्स रखे हुए हैं। एंड इसमें आपको 3 तक मिलेगा। इसमें मैंने अपनी बैंगल्स रख रखी हैं। बस इसकी मैं एक आपको मतलब डिसपॉइंट वाली बात बताऊं, ये अच्छे से लगता नहीं है बिल्कुल भी, असेंबल होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड जब मैंने देखा था तब ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, बट ये बहुत ज़्यादा छोटा सा साइज आया है, तो उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी का लेना चाहें तो भाई ले सकते हैं। वैसे एक दो लोगों ने मंगाए, उनके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है, तो ये अच्छे से लगता नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से लगता है, ये इस तरह से बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें, इस तरह से कहीं खुला रह जाता है, ये देख सकते हैं आप। इस ऑर्गेनाइजर की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये मैंने मंगाया, ये मैंने लिया था 99 मॉल से, ये मीशो पे भी अवेलेबल है लेकिन उसके डबल रेट में ये अवेलेबल है। ये मैंने बस 99 का लिया था, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। जैसे आपकी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं इधर उधर नहीं मिलती हैं, रख के आप भूल जाते हैं, तो आप इस ऑर्गेनाइजर में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे रखा इस तरह से ये वो होगा। मैंने यहाँ पर अपनी जो भी रील वगैरह है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी जो निडल वगैरह है वो डाल रखी हैं, तो और ये नाड़े वगैरह डाल दिए ताकि हम इधर उधर रख देते हैं तो हम चीज़ें भूल जाते हैं। उसके बाद इस वाले पोर्शन में मैं कुछ ना कुछ रख दूंगी क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में परचेज किया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये ऑर्गेनाइजर। इसमें चाहें तो आप अपने मेकअप भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो आप अपने इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो पिन होते हैं ना, ये वाले पिन बहुत जल्दी गुम हो जाते हैं, तो मैंने ये इसमें रख दिए हैं ताकि जब भी मैं कहीं जाऊँ तो उसको आराम से मैं ढूंढ सकूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर की बात करूँ तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, ये तो मैंने ऐसे ही 20 रुपये में ले लिए थे। यहाँ पर भी मेरा पूरा ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है, ये 20 रुपये के 30 रुपये के डिब्बे कहीं भी ऐसे लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये मैंने अपनी ज्वेलरी परचेज की, किसी दिन मैं अपनी पूरी एक ज्वेलरी का हॉल लेकर आऊँगी। और ये भी मैंने मीशो से बाई की थी। एंड इस वाली ज्वेलरी की बात करूँ, ये भी मैंने मीशो से बाई की है। एंड ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज की थी, ये इस तरह की, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्यारा है। ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने बिल्कुल फ़ैन बंद कर रखा है और ये वीडियो मैं कर रही हूँ दोपहर के टाइम सूट, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। तो ये जो बैंगल बॉक्स है, ये मेरी शादी में गया था लेकिन ये भी शायद ऑनलाइन ही परचेज किया था उन लोगों ने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप देख सकते हैं, ये हर वेबसाइट पे अवेलेबल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। एंड ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने अपने डिफरेंट टाइप की चूड़ियाँ कड़े वगैरह लगा दिए हैं, इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसमें पता है एक चीज़ होती है, इसमें टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं होता है कि कोई चीज़ टूट जाएगी, इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। इसको भी आप ले सकते हैं, ये 300 350 का कुछ का मिल जाएगा,
और अगर आपको किसी का कोड वगैरह चाहिए तो वो भी मैं वीडियो में डाल दूंगी अगर आप कहेंगे तो। तो ये भी ऑर्गेनाइजर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड कुछ मैंने ऑर्गेनाइजर मंगाए हैं इस तरह के, ये सेट ऑफ 3 में आपको मिलेंगे। ये मैं अब इस पैक में आप रख सकते हैं अपने सूट, मुझे इस तरह के 3 पैक मिले हैं। ये भी मैंने मीशो से बाय किए हैं एंड बहुत कम प्राइस में किए हैं, 134 रुपये में। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक में अपनी जो भी साड़ियाँ हैं वो डाल के रख सकते हैं, एक में आप सूट रख दीजिए और एक में रख देंगे आप अपने जो भी जीन्स वगैरह टॉप वगैरह वो रख दीजिए, तो उनपे एक के ऊपर एक आप इसमें लगा देंगे। वैसे आप कपड़े एक के ऊपर एक लगाएंगे तो बहुत जल्दी गिर जाते हैं, और इनमें भर के आप लगाएंगे तो एक के ऊपर आप एक लगा सकते हैं और काफी स्पेस रहेगा। किसी दिन मैं अपनी इसकी वीडियो डालूंगी कि मैंने अपनी जो लोहे की जो आयरन की जो अलमीरा है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया, थोड़े से बीच में मैंने कितना सारा सामान रख दिया है। तो ये सेट ऑफ 3 मुझे मिले हैं और बहुत ज्यादा प्यारे लगे हैं मुझे। तो सर मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से एंड ये बहुत ज्यादा स्टडी है, बहुत ज्यादा प्यारा लगा। ये तब मैंने लिया था 900 रुपये का, अब शायद इसके प्राइस ज्यादा हो गए हैं। इसमें ज्यादा सामान नहीं रखती हूँ, ये निकल जाता है, इसमें फेविक्विक से चिपका दूंगी। इसमें इस तरह का आपको एक मिरर मिलेगा और यहाँ पर मैंने अपनी बैंगल रख दी है, क्योंकि किसी भी शादी वगैरह में जाओ ना तो इस तरह का आप अपना पूरा ये मेकअप बॉक्स ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान भर जाएगा। मैंने इसमें बहुत सारी चीजें रख रखी हैं, जैसे ये बड्स रख रखे हैं और ये बैंगल्स भी इसमें पड़ी हुई हैं। इसमें एक चीज बहुत अच्छी रहती है, इसमें लॉक लग जाता है, इस तरह का आप लॉक लगा सकते हैं और जो भी अपना लॉक बदलना चाहें बदल सकते हैं। एंड बहुत ज्यादा प्यारा पीस लगा, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मुझे यूजफुल चीज लगी एंड सेफ्टी भी रहेगी आप इस तरह, ज्यादा प्यारा है। उसके बाद में बात करूं इस वाले बॉक्स की, तो इसमें है मेरा शादी में जो मैंने अब वो पहनी थी ज्वेलरी, वो शादी वाली ज्वेलरी इसी में रखी हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते, मैं किसी दिन पूरा एक हॉल वीडियो लेके आऊंगी कि मेरे पास कितनी ज्यादा ज्वेलरी है, किस किस मैंने वेबसाइट से खरीदी है, वो सारी आपको एक आइडिया। और नेक्स्ट लिया था मैंने ये मैंने लिया नहीं था, ये इस तरह का ऑर्गेनाइजर मिल जाता है बाहर से, आप ले सकते हैं। जैसे आप कहीं घूमने वगैरह जा रहे हैं तो इसमें आप मेकअप अपना स्टोर कर सकते हैं और आप आराम से कहीं भी अपना छोटा सा बैग वगैरह ट्रॉली वगैरह उसमें आप अपना ये रख सकते हैं। ये मुझे जो बहुत ज्यादा प्यारा लगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से ये पूरा ऑर्गेनाइजर है। लेकिन ये था जो रहने की लिपस्टिक आती है ना उसके साथ ये ऑर्गेनाइजर आया था, तो उसी में ये लिपस्टिक रख के आई थी, तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। उसके बाद इस तरह की छोटी छोटी मैंने ये डिब्बियां ली थी, 10-10 रुपये की ये आपको कहीं भी मिल जाएंगी। तो ये इन डिब्बियों में मैं क्या करती हूँ, अपने जो भी बैंगल्स हैं इस तरह से, ये पूरे कड़े हैं ना, बाहर रखो तो ये काले पड़ जाते हैं, तो इस तरह से आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई काले वाले नहीं पड़ेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कॉटन लगा के आप अपने ये भी जो चीजें काले पड़ने की मतलब वो रहता है ना, तो इसमें आप रख सकते हैं, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप इसी में। बाद ये ऑर्गेनाइजर लिया था मैंने 20 रुपये का, ये मैंने बाहर से ही परचेज किया था। इसमें मैंने रख दिया अपना ये गॉगल, इस तरह से मैंने गॉगल रख दिया क्योंकि ये इसमें सुरक्षित रहता है, ऐसे ही खुला पड़ा रहता है तो ये टूटने का बहुत ज्यादा डर रहता है।